Hello students, welcome to getlectures.com. Today we will see the analysis of second type of load based on the direction of load on the cross section of given member in tabular form. Okay, aaj hum log total dekhenge ek tabular form mein jo humne previous lectures mein humne jitne loads dekhe, axial load, eccentric axial load, transverse shear load, eccentric transverse shear load, horizontal transverse shear load, vertical transverse shear load, इनको एक टेबुलर फॉर्म में आज हम लोग देखेंगे और उनका रिलेशन हम देखेंगे किनके साथ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा, सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा और प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ उनका रिलेशन कैसा होगा. लेट अस सी. फर्स्ट ऑफ ऑल एनालिसिस ऑफ इन टेबुलर फॉर्म. फर्स्ट हियर द टेबुलर फॉर्म. दिस इज टाइप्स ऑफ लोड. टाइप्स ऑफ लोड, रिलेशन विद प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, relation with longitudinal axis and relation with centroidal axis. There are three centroidal axis, xx, yy and zz. Okay, now first load is axial load. First load is axial load. In previous lecture we saw what is axial load. Axial load kya hoti hai? Jo load plane of cross section par perpendicular ho और लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग होती हैं और सेंट्रोइडल एक्सिस में अगर आप देखो तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कोइंसिडेंटली लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस क्या होती है, कोइंसाइड्स विद पोलर एक्सिस. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस का हमने डेफिनेशन देखा था. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हमारी क्या होती है, इमेजिनरी लाइन होती है जो कि हर एक क्रॉस सेक्शन के सेंट्रोइड से पास होती है और कोइंसाइड किससे होती है, पोलर एक्सिस से. तो उनका सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ रिलेशन देखेंगे. पहला एक्सियल लोड प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इसका रिलेशन क्या होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर होती है. लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट्स व्हाई एक्सियल लोड इज ऑलवेज अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ओके, दिस इज अलोंग द longitudinal axis and centroidal axis. जो zz axis होती है वो longitudinal axis होती है और zz axis आपकी centroidal axis भी होती है और वो coincidentally polar axis भी होती है, coincide with polar axis. तो centroidal axis में आप क्या कह सकते हैं, along the polar axis. सेकेंड टाइप ऑफ लोड इज विच टाइप ऑफ लोड. सेकेंड लोड इज एसेंट्रिक एक्सियल लोडिंग. एसेंट्रिक एक्सियल लोड प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ कैसा रिलेशन होता है, दिस इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ एसेंट्रिक एक्सियल लोड का क्या रिलेशन होता है. प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि जो एसेंट्रिक एक्सियल लोड होती है वो क्या होती है, पैरेलल टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. बिकॉज वो क्या होती है, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस नहीं होती है. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो उसमें क्या होता है, जो एसेंट्रिसिटी होती है उसका भी डेफिनेशन हमने दिया था, जो कि आप देखो सेंटर से जो हटके जो लोड लगता है डेट इज एसेंट्रिक लोड. तो अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस आपकी एक्सियल लोड होगी और longitudinal axis के parallel मतलब perpendicular to the plane of cross section and parallel to the longitudinal axis के parallel होगी तभी तो उनके बीच में कुछ distance होगा. that's why वो longitudinal axis से eccentric होगी. that is parallel to longitudinal axis. parallel to the longitudinal axis. और centroidal axis के साथ क्या होगा, जो एक्सियल लोड है वो पोलर एक्सिस के अलोंग है. तो जेड जेड एक्सिस आपकी लॉन्गिट्यूडनल भी है, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस कोइंसाइड होती है पोलर एक्सिस से. तो सेम रिलेशन होगा, पैरेलल टू द पोलर एक्सिस. ओके, नेक्स्ट वन इज थर्ड टाइप ऑफ लोड इज व्हाट, दिस इज ट्रांसवर्स शियर लोड. ट्रांसवर्स शियर लोड का प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ रिलेशन क्या होता है. ट्रांसवर्स शियर लोड, शियर लोड इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट्स व्हाई एक्सियल लोड आपका परपेंडिकुलर है तो ट्रांसवर्स शियर लोड क्या होगा, पैरेलल
to the plane of cross section. ओके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ क्या रिलेशन होता है, जो लोड आप देखें यहां पर, अगर आप देखें दिस वाई वाई एक्सिस एंड एक्स एक्स एक्सिस इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, दिस टू सेंट्रोइडल एक्सिस आर पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन, ओके प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो कोई भी लोड अगर इनके अलोंग एक्ट करती है दैट लोड इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स शियर लोड. अगर एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग अगर एक्ट करती है तो दैट लोड इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल ट्रांसवर्स शियर लोड. और वाई वाई एक्सिस के साथ जब वो एक्ट अलोंग द वाई वाई एक्सिस अगर एक्ट कर रही है दैट लोड इज कॉल्ड द वर्टिकल ट्रांसवर्स शियर लोड. ओके तो यहां पर अगर आप देखें तो एक्स एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई भी लोड जाती है दैट लोड एंड वाई वाई एक्सिस के अलोंग कोई भी लोड जा रही है तो डेट लोड इज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. ओके बिकॉज दीज लोड्स आर अलोंग द एक्स एक्स एक्सिस एंड वाई वाई एक्सिस. ओके एंड दीज टू एक्सिस आर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. दैट्स वाई ट्रांसवर्स शियर लोड इज ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पर पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, देन वॉट इज द रिलेशन विद लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. हियर the ZZ axis is longitudinal axis. Any load which is act along the XX axis and YY axis, these two axes are parallel to the plane of cross section. And ZZ axis, XX axis, YY axis and ZZ axis are centroidal axis and these are mutually perpendicular to each other. जब ये एक दूसरे के mutually perpendicular हैं तो अगर XX axis और YY axis के along कोई भी load लगता है that load is perpendicular to the longitudinal axis. Okay, perpendicular to the ZZ axis and ZZ axis is longitudinal axis or polar axis. So that's why longitudinal axis ke saath transverse shear load ka relation kya hoga? Perpendicular to the longitudinal axis. Okay. और पोलर एक्सिस के साथ क्या होगा, जो रिलेशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ होगा वही रिलेशन पोलर एक्सिस के साथ होगा एंड दैट इज सेंट्रोइडल एक्सिस. ओके हियर वी कैन राइट परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस. ओके फोर्थ लोड इज एसेंट्रिक TSL, eccentric transverse shear load. बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, इसको अगर आप ध्यान से देखो तो बहुत क्वेश्चन सॉल्व आप कर सकते हो. एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड देखते हैं. यहाँ पर अगर मैं कोई एसेंट्रिक शियर लोड लेता हूँ, एसेंट्रिसिटी का क्लियर है कंसेप्ट. एसेंट्रिसिटी अगर मैं वाई वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लोड लगाता हूँ या एक्स एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लोड लगा रहा हूँ, डैट लोड इज पी टू एंड दिस इज पी थ्री. फॉर द एग्जाम्पल P2 and P3 are eccentric transverse shear load because these loads are parallel to the XX axis and YY axis and XX axis and YY axis is parallel to the plane of cross section. That's why these loads are transverse shear load, but these are eccentric to the centroidal axis. XX and YY axis se ye kya hai? एसेंट्रिक है. डेट्स वाई अगर आप देखो तो एसेंट्रिक होगा तो उनसे कुछ दूर पे एक्ट कर रहा होगा, सेंटर से हटके एक्ट कर रहा होगा, बट वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से परपेंडिकुलर होगा लेकिन दोनों एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे. ठीक है, अगर आप प्रैक्टिकली देखो तो वो कभी एक दूसरे को टच नहीं करेंगे. तो इसका रिलेशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ आप क्या कह सकते हो, दिस इज ऑलवेज, अगर आप यहां पर देखो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इनका रिलेशन क्या होगा, सिंपल अगर आप रिलेशन की बात करो तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन से ये क्या हो सकता है, ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, पैरेलल टू द plane of cross section. And longitudinal axis से क्या होगा, perpendicular to the longitudinal axis but away from the longitudinal axis, always perpendicular होगा. यहां पर अगर आप P2 load
खुद देखो तो दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर बिकॉज वाई वाई एक्सेस इज परपेंडिकुलर टू द जेड जेड एक्सेस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस से वाई वाई एक्सेस आपका परपेंडिकुलर है, तो उसके पैरेलल जो लाइन ऑफ एक्शन होगा, जिस फोर्स का भी लाइन ऑफ एक्शन होगा, अगर वाई वाई एक्सेस के पैरेलल है तो वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस, इट मीन्स कि जेड एक्सेस के परपेंडिकुलर होगा। लेकिन ये जब वाई वाई एक्सेस से अवे है, दूर है, पैरेलल है, तो उससे कुछ एसेंट्रिक है, डैट्स वाई ये कभी भी जेड एक्सेस और लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस और पोलर एक्सिस को ये कभी भी टच नहीं करेगा, बट दिस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस और पोलर एक्सिस। ओके, तो हियर द रिलेशन इज व्हाट, द परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस बट अवे फ्रॉम द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, सेम परपेंडिकुलर टू द पोलर एक्सिस बट अवे फ्रॉम पोलर एक्सिस। ओके, पोलर एक्सिस से दूर होगा। फिफ्थ टाइप ऑफ लोड इज व्हाट, द बेंडिंग कपल। जब हमने लोड का डेफिनेशन देखा था तो लोड आपकी कौन सी होती है, कपल भी आपके लोड में ही आता है, कपल्स आर फ्री वेक्टर, तो इसको अगर आप किसी भी पॉइंट से देखोगे तो ये कांस्टेंट वैल्यू ही देता है। तो बेंडिंग कपल जो होती है, अगर आप देखो तो बेंडिंग के लिए जो कपल क्रिएट होती है, बेंडिंग ऑलवेज आपकी एक्सियल लोड के कारण होती है, इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड्स। अगर आप किसी भी मेंबर की बात करते हो, अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हो, तो अगर आप देखते हो कि एक लोड जो कि जेड एक्सिस के पैरेलल एक्ट कर रहा है, इधर दिस इज पी, और एक इस साइड में इक्वल एंड अपोजिट लोड्स, द डायरेक्शन ऑफ दिस लोड इज दिस डायरेक्शन पी, दिस टू लोड्स क्रिएट्स अ कपल। ओके, दोनों लोड आपका कुछ डिस्टेंस, अगर आप सपोज कर लो दिस डिस्टेंस इज डी, डी से अगर ये सेपरेट है तो दिस टू लोड्स क्रिएट्स अ कपल एंड दैट कपल इज कॉल्ड, दिस कपल इज कॉल्ड द बेंडिंग कपल। ओके, दिस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस क्रिएट्स अ बेंडिंग कपल ऑन द गिवन मेंबर, दैट्स व्हाई। तो आप क्या देखोगे कि बेंडिंग कपल जो होगी ऑलवेज उसका रिलेशन क्या हो सकता है, अगर आप प्रैक्टिकली किसी भी मेंबर को अगर आप बेंड कर रहे हो, सैगिंग बेंडिंग दे रहे हो या हॉगिंग दे रहे हो, सैगिंग में अपवर्ड बेंडिंग होगी और हॉगिंग में डाउनवर्ड बेंडिंग होगी, तो बेंडिंग के लिए, बेंडिंग कपल के लिए अगर आप बात करते हो तो इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड चाहिए। तो आप देखो तो बेंडिंग किस प्लेन में हो रहा है, प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ बेंडिंग का जो प्लेन है उसका रिलेशन क्या है। अगर आप किसी भी चीज़ को बेंड कर रहे हो, अगर सपोज करो यहाँ पर कोई मेंबर है, दिस इज अ मेंबर, ए बी मेंबर, अगर इस ए बी मेंबर को आप क्या कर रहे हो, बेंड कर रहे हो, दिस इज लाइक दिस ए बी मेंबर को आपने बेंड किया, तो इसका क्रॉस सेक्शन जो था, क्रॉस सेक्शन अगर आप देखो तो क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह से था, तो ये बेंडिंग किस प्लेन में हो रहा है, इसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन पे हो रहा है, दिस इज क्रॉस सेक्शन। अगर आप क्रॉस सेक्शनल व्यू देखो तो क्रॉस सेक्शन इसी मेंबर की अगर मैं बात करता हूँ, तो गिवन मेंबर अगर ये बेंड होगा तो कुछ अपवर्ड बेंडिंग में ये सी टाइप से अपवर्ड यू शेप में आएगा, और यू शेप में अगर आप क्रॉस सेक्शन को इमेजिन करो तो क्रॉस सेक्शन के साथ जो बेंडिंग का प्लेन है इसके जस्ट परपेंडिकुलर प्लेन में ये बेंडिंग होती है। ओके, तो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ इसका रिलेशन क्या होगा बेंडिंग कपल का, बेंडिंग कपल के अगर रिलेशन की बात करते हो तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ क्या रिलेशन होगा, अगर आप लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ रिलेशन देखना चाहो तो बेंडिंग कपल का बेंडिंग जिस एक्सिस के अलोंग बेंड हो रहा है, अलोंग बेंडिंग, तो इसमें अगर आपने जो सैगिंग बेंडिंग देखी, सैगिंग बेंडिंग जो आप देख रहे हो, तो इसका लॉन्गिट्यूडनल ए बी एक्सिस का लॉन्गिट्यूडनल ए बी मेंबर का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस किसके अलोंग होगा, ए बी के अलोंग होगा, और इसकी जो बेंडिंग हो रही है अगर आप ये बेंडिंग देखो तो ये बेंडिंग कैसी होगी, along the longitudinal axis, अगर आप यहाँ पर देखो this is longitudinal axis और bending जो हो रही है along the longitudinal axis, किस axis के along हो रही है, that is longitudinal axis। तो आप bending couple में क्या कह सकते हो कि bending couple का relation longitudinal axis के साथ कैसा होगा, तो आप अगर देखो तो along the
लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और जब ये अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होगा तो सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ अगर रिलेशन देखो तो दिस इज ऑल्सो अलोंग द पोलर एक्सिस, पोलर एक्सिस. सिक्स्थ टाइप ऑफ लोड इज ट्विस्टिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल. ट्विस्टिंग कपल के बारे में जानते हैं. ट्विस्टिंग कपल जैसा बेंडिंग कपल हुआ वो आपका किस लोड के कारण हुआ? डेट लोड इज इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड्स, ओके, अलोंग द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. ट्विस्टिंग कपल में अगर आप देखो तो कोई भी शाफ्ट या अगर आप कपड़े निचोड़ते हो जब, तो एक हाथ में कपड़े को आप फिक्स रखते हो और दूसरे साइड से कपड़े को ट्विस्ट कराते हो, डैट इज कॉल्ड अ ट्विस्टिंग कपल. तो ट्विस्टिंग कपल के लिए आपको लोड कैसा चाहिए? अगर आप देखो कपल के डेफिनेशन को, अगर आपने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में आपने देखा होगा और बेसिक फिजिक्स में भी आपने कपल के डेफिनेशन को देखे होंगे, तो कपल क्या होती है? आपकी इक्वल एंड अपोजिट सियर लोड्स. जैसे ही बेंडिंग कपल हुई, बेंडिंग कपल किस के कारण हुई? इक्वल एंड अपोजिट एक्सियल लोड्स के कारण क्रिएट हुई. वैसे ही सियर ट्विस्टिंग कपल जो होती है इक्वल एंड अपोजिट सियर लोड, और सियर लोड किसके अलोंग होता है? सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग होता है, उन सेंट्रोइडल एक्सिस के अलोंग जो कि पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है. ठीक है, अगर आप देखो तो ट्विस्टिंग, अगर आप कपड़े की ही बात करते हो, कपड़े को जो एक हाथ से आप निचोड़ते हो तो उसमें आप देखते हो कि जो प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन है ट्विस्टिंग किस प्लेन में हो रही है. अगर आप देखो तो सीधे पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन. अगर आप ट्विस्टिंग की बात कर रहे हो तो जिधर आप कपड़े को ट्विस्ट कराते हो, एक साइड से फिक्स करके एक साइड से ट्विस्ट करा रहे हो, तो उसे आप ट्विस्टिंग कपल क्रिएट कर रहे हो, और ट्विस्टिंग कपल जो होगी वो ऑलवेज पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन होगी. प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन के साथ ट्विस्टिंग कपल का रिलेशन क्या होगा? दिस इज ऑलवेज पैरेलल टू द, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ क्रॉस सेक्शन, ओके. अब लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ उसका रिलेशन क्या होगा? जब सियर लोड है, सिंपल सी बात है, टू इक्वल एंड अपोजिट सियर लोड के कारण ट्विस्टिंग कपल हो रही है, तो ट्विस्टिंग कपल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर, बिकॉज दिस ट्विस्टिंग कपल इज ड्यू टू सियर लोड, और सियर लोड का लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ रिलेशन क्या होता है? परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. सेम रिलेशन ट्विस्टिंग कपल का भी होता है, डैट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. देन सेंट्रोइडल एक्सिस के साथ क्या रिलेशन होगा? जो रिलेशन लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के साथ होगा, अब पोलर एक्सिस की बात करते हैं, जो ट्विस्टिंग होगी वो किस एक्सिस के अबाउट हो रही है? दैट इज अबाउट द पोलर एक्सिस, ओके. तो पोलर एक्सिस के साथ अबाउट द पोलर एक्सिस, ओके. तो देयर आर सिक्स टाइप ऑफ लोड्स बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑन द गिवन क्रॉस सेक्शन. देयर आर सिक्स टाइप ऑफ लोड: एक्सियल लोड, एसेंट्रिक एक्सियल लोड, ट्रांसवर्स शियर लोड, एसेंट्रिक ट्रांसवर्स शियर लोड, बेंडिंग कपल, ट्विस्टिंग कपल. हम कुछ क्वेश्चंस, कुछ एग्जांपल्स आगे देखेंगे जिसमें कि हमें अगर लोड्स के बारे में जानना है कि किस मेंबर पे कौन सा लोड लग रहा है, उस लोड की जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहाँ पर और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी कि कौन सा लोड किस टाइप का है, किस मेंबर पर किस टाइप का लोड एक्ट कर रहा है, ओके. नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, नोटेशंस. हेयर इज, आई एम यूजिंग टू नोटेशंस, वन इज क्रॉस एंड वन इज डॉट. इट मीन्स व्हाट? दिस इज द गिवन मेंबर ए बी सी D and this is B C E F. This is the cross sectional view of the given member A B C D. A B C D member का ये cross sectional view है. B C E F is the cross sectional view of the given member. आप इस पर देख रहे हो cross का मतलब क्या है? Cross का मतलब है, सिंपल सी बात है कि अगर ये हम क्रॉस सेक्शन पे दिखा रहे हैं, क्रॉस सेक्शन पे क्रॉस का मतलब, क्रॉस का मतलब ऑलवेज दिस इज इनवर्ड फोर्स. क्रॉस मींस इनवर्ड फोर्स, क्रॉस मींस इनवर्ड फोर्स, एंड डॉट मींस दिस इज आउटवर्ड फोर्स और लोड, इनवर्ड फोर्स और लोड, ओके. अगर देखो इनको अगर मेमोराइज करना है तो सिंपल सी बात है,
आप तीर देखते हो, वो एरो, एरो जो देखते हो, अगर एरो आपके तरफ आता है तो आपको क्या दिखता है? अगर इनवर्ड इनवर्ड की बात करो तो जब कोई भी एरो आपसे दूर जाएगा तो आपको क्या दिखेगा? उसका बैक पार्ट, उसका एंड पार्ट आपको दिखेगा, दैट इज क्रॉस, लुक लाइक अ क्रॉस। एंड जब एरो आपके तरफ आएगा, ठीक है, जब आप अपने तरफ से देख रहे हो और आपके तरफ आ रहा है, इट मींस कि मेंबर से आउटवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, तो दैट इज अ पॉइंट। एरो का केवल आपको पॉइंट दिखता है, तो उससे आप मेमोराइज कर सकते हो सिंपली कि डॉट मीन्स आउटवर्ड फोर्स एंड क्रॉस मीन्स इनवर्ड फोर्स। तो यहां पर अगर आप देखो तो क्रॉस सेक्शन पर P1 लोड, दिस इज P1, दिस इज P2, दिस इज P3, दिस इज P4, दिस इज P5, दिस ऑल फोर्सेस P1, P2, P3, P4, P4, P5, ऑल आर एक्सियल लोड्स बिकॉज दीज लोड्स आर परपेंडिकुलर टू द गिवन क्रॉस सेक्शन। P1 एंड P2 आर विच टाइप ऑफ लोड? दिस इज कंप्रेसिव एक्सियल लोड, एसेंट्रिक कंप्रेसिव एक्सियल लोड्स, ओके। एंड P3, P3 इज वॉट? दिस इज टेंसाइल एक्सियल लोड। P4 एंड P5 इज एसेंट्रिक टेंसाइल एक्सियल लोड्स, ओके। तो यहां पर अगर आप देखो तो P1 इज एक्सियल, सॉरी, दिस इज P1 इज एसेंट्रिक एसेंट्रिक एक्सियल कंप्रेसिव कंप्रेसिव लोड। P2 is also eccentric axial compressive load, and these two loads P1 and P2 is parallel to the longitudinal axis and perpendicular to the plane of cross section. P3 is what? This is axial tensile load because this is along the longitudinal axis. अगर मैं assume करूं P3 is act at the center of the cross section. Center of cross section क्या होगा? जहां पर आपके तीनों सेंट्रोइडल एक्सिस मीट करते हैं, दैट इज द सेंटर सेंटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन। और जब सेंटर से लोड पास हो रहा है, दैट लोड इज नॉट एसेंट्रिक, दैट लोड इज सिंपल एक्सियल, ओके, एक्सियल और ट्रांसवर्स शियर लोड। बट हेयर दिस डॉट शोज दिस इज एक्सियल टेंसाइल लोड। P4 इज एसेंट्रिक एसेंट्रिक एक्सियल एक्सियल टेंसाइल लोड, एंड P5 इज एसेंट्रिक एसेंट्रिक एक्सियल एक्सियल टेंसाइल लोड, ओके। नाउ वी विल सी सम एग्जाम्पल्स ऑन द लोड बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑन क्रॉस सेक्शन ऑफ गिवन मेंबर, ओके।